भारतीय जनता की पार्टी की भारी बहुमत से जीत हुई है और यहाँ के सांसद आर के सिंह को विजय घोषित किया दूसरी बार। कितना खुशी मिलता है आप लोग एक छोटे कार्यकर्ता हैं और पार्टी में एक अपना बहुत मेहनत और सपोर्ट दिखाएं। जी देखिए, व्यवसाय के साथ साथ समाज को उज्जवल, समाज को उजागर करने के लिए हमारी तत्परता बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर हम और आप मिलकर भारतीय जनता पार्टी का समर्थन नहीं करेंगे और माननीय श्री आर के सिंह जो कि भारी मतों से विजयी हुए, अगर हम उनका समर्थन नहीं करते हैं तो फिर आप एक अच्छी सरकार, एक अच्छा प्रत्याशी अपने हाथ से खो देंगे। गत 5 वर्षों में आपने देखा होगा जिस प्रकार से हमारे आरा संसदीय क्षेत्र का विकास हुआ है, कोइलवर पुल पे जिस प्रकार से अभी कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, फिर से आप हमारे ये आरा बक्सर 4 लेन पर देख लें, तथा कोइलवर से खगौल के लिए जो ब्रिज बना रहे हैं, तो ये सारी स्कीम्स हमारे माननीय सांसद श्री आर के सिंह ही आरा संसदीय क्षेत्र में लेकर आए। और एक पूरे चुनाव में जाति फैक्टर को लेकर कयास लगाया जा रहा था कि इस समाज के लोगों का इनके सपोर्ट नहीं है, तो क्या लगता है कि इस विजय में सबका सपोर्ट और एक जाति धर्म का जो मिथक था उसको तोड़ा गया? जी देखिए, जाति राजनीति में जाति तो अपने आप जुड़ ही जाती है जहाँ तक हम लोग शुरू से देखते आए हैं, पर अब वो समय चला गया है क्योंकि हमारे माननीय श्री प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी खुद एक पिछड़ी जाति से आते हैं और हम जानते हैं कि जाति वहाँ मैटर नहीं करती है जहाँ अगर आप देश के, शहर के, अपने ग्रामीण क्षेत्रों के विकास देखने लगिएगा। और मुझे नहीं लगता कि माननीय श्री आर के सिंह को किसी भी प्रकार से जाति, एक पर्टिकुलर कास्ट का वोट मिला हुआ है, उनको सारे समाज ने मिल के जिताया है क्योंकि 1,50,000 वोटों का डिफरेंस है, तो 1,50,000 वोटों का डिफरेंस सर जाति पे नहीं होता है, ये जो भी हुआ है इनके विकास कार्य के। सर, भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है क्योंकि 40 में से 39 सीट लाना अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है, इस पर क्या कहिएगा? जी देखिए, समय के साथ साथ जनता ने अपनी आँखें खोल के बैठ गई है। विभिन्न प्रकार की स्टेट पार्टीज हैं, छोटी भी पार्टीज हैं जो कि चुनाव में काफ़ी इधर से उधर मेहनत कर रही थी, परंतु चुनाव के पहले अपने कार्यकाल में हमारे नेताजी ने जो काम किया है हमारे लिए, हमारे शहर के लिए, या फिर जो भी रोज़गार लाया है शहर में, नई नई जैसे कि शौचालय व्यवस्था जो की है, तथा जो हर गांव-गांव बिजली भी पहुंचाई है क्योंकि वो खुद एक ऊर्जा मंत्री थे, तो उसको मद्देनज़र रखते हुए हमें लगता है कि 39 में से 40 सीट आना बहुत अच्छा एक हमारे लिए संदेश है आने वाले समय में कि भारतीय जनता पार्टी एक विकासशील पार्टी है और बिहार में आने वाले समय में भी भारतीय जनता पार्टी का हम की सेवा हमें मिलेगी। भारतीय जनता पार्टी के भारी बहुमत से जीत हुई है, आप एक महिला हैं, आप प्रधानमंत्री और अपने स्थानीय सांसद से क्या आशाएं रखती हैं? मैं तो इतनी ज़्यादा आशा नहीं रखती, फिर भी मैं ये सोचती हूँ जिस हमारे शहर से जो आर के सिंह जी जीते या मोदी जी जीते, मैं तो ये सोचती हूँ मोदी जी ने तो इतने सारे नियम बना दिए औरतों के लिए, इतना उद्धार किया उन्होंने महिलाओं का। अब मैं यही सोचती हूँ हमारे शहर में लेडीज़ के लिए, औरतों के लिए टॉयलेट नहीं है, सोशल टॉयलेट, मैं सोचती हूँ कुछ टॉयलेट्स हो जाएँ, औरतें सेफ रहेंगी उससे, यही मैं उनसे उम्मीद करती हूँ और हमारा शहर साफ रहेगा। और कुछ आशाएं जो कि बाकी रह चुकी हों, जिस प्रकार से कार्य हो रहा है अब क्या लगता है महिलाओं के लिए स्वरोजगार की? हाँ, महिलाओं के लिए स्वरोजगार की, पढ़ी लिखी औरतें हैं जो कि काम नहीं करना चाहती, सेफली नहीं रहती हैं, तो उन्हें कुछ रोज़गार मिले, वो घर पे रहकर भी कुछ काम करें, बुटीक खोलें, उसके लिए वो कुछ नियम बनाएं, ऐसे कुछ फंड्स वगैरह निकालें वो लोग, ताकि हमारे यहाँ औरतें अपना रोजगार खोल सकें, वो सेफ रहें, वो भी अपने हाथों से पैसे कमा सकें। मैडम, आरा के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती होती है जाम, मतलब जाम से मतलब कैसे? कि यहाँ का जाम छुड़ाएं, हम लोग भी मार्केट वगैरह जाते हैं, काफ़ी जाम में फंस जाते हैं, 2-2, 2.5-2.5 घंटे हम लोग जाम में रहते हैं, तो मैं यही कहूँगी जाम के लिए कुछ करें, रिक्वेस्ट करती हूँ कि जाम के लिए कुछ करें। पर्चे बता दीजिए मैम। मैं मिसेस गीता सिंह, प्रोफेसर आर के सिंह मैथमेटिक्स कोचिंग इंस्टीट्यूट की डायरेक्टर।